नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 21 से 24 मार्च के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। अंतिम राशि लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। मीन राशि 21 मार्च के दिन आप काफी प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। इस दिन आपके संपर्क में आने वाले लोग भी प्रसन्न होंगे, आपकी तारीफ होगी, वाहवाही होगी और इस दिन आप अपने आप को एक भले व्यक्ति के रूप में, मिलनसार व्यक्ति के रूप में दिखाने में या प्रदर्शित करने में पूरी तरह सफल होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो वैवाहिक मामलों में आपकी चर्चाएं चल सकती हैं या आपका कोई लव अफेयर भी शुरू हो सकता है इस दिन, या ऐसा कोई व्यक्ति आपको पसंद आ सकता है जिसके साथ एक अफेयर आपको अच्छा लगे इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो अपने जीवन साथी के साथ आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। बस ध्यान इस बात का आपको रखना है कि आपके दोनों के बीच में कोई तीसरा इस प्रकार से ना आने पावे जो आपको असहज करे, और अगर कोई असहज कर रहा है तो उसे बता दें कि उसकी उपस्थिति इस समय आपको नहीं चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें कमी नहीं है। इन चीजों के अलावा 21 मार्च का दिन व्यापारिक मामलों में भी अच्छा रहेगा। आर्थिक क्षेत्रों में भी चीजें आपके फेवर में रहेंगी और नए कार्यों को इस दिन शुरू कर सकते हैं। 22 मार्च के दिन आप काफी ज्यादा शक्ति फील करेंगे, काफी ज्यादा संयमित रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे, समाज में अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। साथ ही साथ इस दिन आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में आपके सामाजिक स्टेटस को ऊपर भी उठा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है और आपके आर्थिक क्षेत्र को या व्यापारिक क्षेत्रों को प्रभावित भी करता है। तो ऐसे निर्णय को लेने के लिए थोड़ा और सोचना विचारना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 22 मार्च को परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। धन के मामले में हर प्रकार से चीजें आपके फेवर में रहेंगी। 23 मार्च के दिन आप काफी ज्यादा प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहेंगे। इस दिन आपका सोचा हुआ कोई काम पूरा हो सकता है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आपके इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो बहुप्रतीक्षित आपके लिए रहा हो। इस दिन आर्थिक मामलों में किए गए निवेश में आपको फायदा होगा। हालांकि धन का खर्चा थोड़ा अधिक रहेगा, दिखावे की चीजों में आप ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद हर प्रकार से दिन आपके फेवर में रहेगा। इस दिन आप अपने धन को लेकर के या अपने व्यवसाय को लेकर के जो कुछ भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको फायदा जरूर होगा। 24 तारीख को आप अपने कार्यों को पूर्ण करने की दिशा में अंतिम पड़ाव पर हो सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है या किसी एक कार्य को पूरा करने के, कंप्लीट करने के अंतिम पड़ाव पर हो सकते हैं। इस दिन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा लेकिन एक कीमत के साथ, और कीमत अगर चुकाने को आप तैयार हैं, कीमत कोई भी हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, मोरल सपोर्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अगर उस कीमत को चुकाने को आप तैयार हैं तब तो सहयोग ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर कीमत चुकाने को तैयार नहीं है तो हर चीज़ आपको खुद से मैनेज करनी होगी और खुद से प्लान करके चलना होगा। यहाँ पर कॉन्फिडेंट वाला मामला है। जितना ज़्यादा आप स्वयं पर कॉन्फिडेंट रखेंगे, जितना कॉन्फिडेंस रहेंगे उतना चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने कार्यों को स्वयं करने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपकी ऊर्जा आपको बहुत सपोर्ट भी कर रही होगी। 24 मार्च एक ऐसा दिन है जब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, अपने कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों में आपके निर्णय सही साबित हो सकते हैं इस दिन, और व्यापार को कुछ नई दिशा देना चाहते हैं या व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। जॉब के क्षेत्र में भी ये दिन आपके फेवर में रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे और समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। ओवरऑल इन चारों दिनों में मीन राशि आपके लिए ये चार के चारों दिन बढ़िया रहेंगे, हर प्रकार से फेवरेबल रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 21 से 24 मार्च के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।